मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ के हालत बने हुए हैं। 90 से अधिक गांव इसकी चपेट में हैं। प्रशासन की टीम के साथ अब सेना को भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन बरवासिन घाट पर ग्रामीणों को बचाते हुए एक हादसा हो गया जिसमें एक बच्ची की मौत और एक बच्ची मिसिंग है। अधिकारियों के अनुसार 2000 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। मिसिंग बच्ची की तलाश की जा रही है। लियाल गांव में पुलिस अधीक्षक आसित यादव सेना और पुलिस बल के साथ मौजूद है। गांव में से डोंगी से उतार रहे थे, उतारते में क्या है कि वो बाद लट्ठा थे टकराए के वो डोंगी की वो फट गई और उसमें डूब गई। और काव कितने लोग डूब गए थे? गाँव में आते 15 से 20 लोग। किस तरीके से बचाए गए? बच्चे का अवरस से ऐसे डार के कुछ पैर के ऐसे निकाले और साथ में रेस्क्यू के नहीं है, 4-5 लोग भी थे। पानी की स्थिति क्या बनी हुई? पानी की स्थिति बढ़ रहा है, पानी का कम थोड़ी हुआ है अभी। और गांव के लोग कहाँ हैं? गांव में या निकाल लिए गए? गांव में ही हैं और ऊपर टापून पे। अच्छा, दो में से एक बच्ची अभी गायब है? एक बच्ची गायब है, एक खत्म हो गई, उसको निकाल दी। देखिए पूरे जिले में करीब 10 जगह हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं इस समय, और करीब करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को हम अभी रेस्क्यू कर चुके हैं। कुछ लोग अपनी इच्छा से जो ऊपर के पॉइंट से वहाँ पे चले गए हैं, और जहाँ पे हम लोगों ने भी प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर कि उनको सेफली मूव करें। हाँ, इसमें ये बरवासिन है तो यहीं पे इस समय यहाँ पे प्रशासन और पुलिस की टीम आई हुई थी बरवासिन में, तो वहीं से उस बोट को हमने छोड़ा था। उसमें कुछ महिलाएं और बच्चे थे, सभी में लाइफ जैकेट्स पहन रखी थी। तो थोड़ी देर आके वहाँ से करने के बाद ही एक बिजली का एक जो पोल होता है उससे वो बोट टकराई है। रबर ट्यूब होने से उसमें शायद कांटे लगे हुए थे तो उसमें पंचर हो गई, तो बोट का बैलेंस बिगड़ा और बोट जो है लोगों के ऊपर आ गई थी। तभी वहाँ पर हमारे पुलिस विभाग के 2-3 आरक्षक बड़ी तेज़ी से गए और वहाँ पर जो स्कूल था उसके ऊपर चढ़ गए, रेस्क्यू किया और सेफली बाकी करीब 11 लोगों को सेफली निकाला। हाँ, दो बच्चियों की डेथ हो गई है उसमें, एक बच्ची अभी मिसिंग है।